আজই ডাউটনাট অ্যাপ ডাউনলোড করুন। ডাউটনাটে এখন আপনার সমস্ত ম্যাথস, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স ও বায়োলজি ডাউটের উত্তর পাওয়া যাবে। শুধু নিজের প্রশ্নের ফটো তুলুন, সেটাকে ক্রপ করুন আর তৎক্ষণাৎ ভিডিও সলিউশন পান। এখনই ডাউনলোড করুন। प्रॉब्लम है और ये कॉन्सेप्चुअल और अच्छी प्रॉब्लम है। कह रहा है कि when a choke coil is connected in a series with a lamp in DC line, the lamp shines brightly। अच्छा, जब हम किसी choke coil को DC line के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो लैम्प रहता है, जो DC line से जुड़ा हुआ है, वो शाइन करता रहता है बराबर, ठीक है। इंसर्शन ऑफ आयरन कोर डज नॉट अफेक्ट द ब्राइटनेस। यदि हम उस चोक कॉयल में आयरन कोर भी डाल दें तो उसकी ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एसी के केस में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म हमें समझना पड़ेगा कि एक्सएल क्या होता है। एक्सएल होता है रिएक्टेंस, इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। और जो चोक कॉयल होती है ना, वो इंडक्टर होती है, ठीक है। तो जब भी हम एक्सएल की वैल्यू लिखते हैं, हम लिखते हैं ओमेगा एल, इसको लिखते हैं 2πfL। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आयरन कोर इंसल्ट करने से क्या होता है। आयरन कोर जब भी हम इंसल्ट करते हैं तो जो एल होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जो आयरन कोर हम इंसल्ट करते हैं तो एल हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन कोर हम जब उसमें इंसल्ट करते हैं तो एल हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब डीसी के केस में क्या होगा, ठीक है। तो पहला करते हैं इन केस ऑफ डीसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी होती है जीरो। अच्छा, यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी जीरो होगी तो एक्सएल क्या होगा, 2π0 इंटू एल, यानी ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये एज अ कंडक्टर एक्ट करेगा, ठीक है। अब जब ये एज अ कंडक्टर एक्ट करेगा तो लैम्प बराबर शाइन करता रहेगा। अब इसमें आप चाहे आयरन कोर डाल दो या सॉफ्ट आयरन कोर डाल दो तो इसका एल भले ही बढ़े लेकिन एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्या होती है, जीरो। अच्छा, अब जब एसी का केस ले लो, इन केस ऑफ एसी, अब भैया एसी की फ्रीक्वेंसी तो जीरो नहीं होती, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ एसी लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जीरो तो नहीं होती, ठीक है। तो जो एक्सएल होगा वो होगा 2πfL। अब यहां पे एल को मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूं, यदि आपने सॉफ्ट आयरन कोल डाला तो ये जो L है ना ये बढ़ेगा, और यदि L बढ़ेगा तो आप यहां से देख सकते हो कि एक्सएल भी बढ़ेगा, यानी अब ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जब ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया तो सिंपली क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी जो I होगा वो डिक्रीज करेगा, और जब I डिक्रीज करेगा तो लैम्प क्या होगा, ब्राइटली शाइन नहीं करेगा, उसकी ब्राइटनेस लो हो जाएगी, यानी ब्राइटनेस ऑफ लैम्प लोअर्स, जो लैम्प की ब्राइटनेस होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब उसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करंट को करना पड़ रहा है और करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसी कारण जो लैम्प की ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को टैकल किया। और यहाँ सॉफ्ट आयरन कोर का मैंने बताया कि सॉफ्ट आयरन कोर इंसल्ट करते ही एल बढ़ जाएगा, इसका मतलब एक्सएल बढ़ जाएगा, आई कम हो जाएगा और ब्राइटनेस जो है लैम्प की लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को मैथमेटिकली ढंग से ट्रीट किया। ক্লাস সিক্স থেকে টুয়েলভ এর সাথে নিট, আইআইটি, জেই, মেন্স এবং অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত 10 মিলিয়নের থেকে বেশি স্টুডেন্টের ভরসা। আজই ডাউটনাট অ্যাপ ডাউনলোড করুন বা নিজের প্রশ্ন 8400040000400তে হোয়াটসঅ্যাপ করুন।